नहीं बोले साहब, ये नहीं बोले। हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है। लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती, ये हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान। मेरे सामने आप 186 में फोन करिए, आप करिए अपने मोबाइल से, है ना? आप बात करना कि आपका शौचालय चोरी हो गया है। अभी आएगा, और कोई मत बोलना, हमें और भी शौचालय नहीं है सारे थे। तो आप क्या खुले में शौच के लिए जाती हैं हर दिन? ये आप देख सकते हैं 186 में डायल कर रहा हूँ। जी जी सर, का ये क्या समस्या है? आपके हिसाब से भारत देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है? हम गरीब आदमी के कोई व्यवस्था नहीं। तो आपने आवेदन नहीं दिया है क्या? उसके लिए पहले आवेदन दिया है भाई सर, दिया है, स्वीकृत भी हो चुका है, उसका पैसा भी निकाला जा चुका है। बिल्कुल सर, समस्या का समाधान किया जाएगा। सरपंच सचिव का क्या नाम है, जान सकती हूँ मैं? हाँ, राशन नहीं मिला टीएम पे। तो मैडम नोट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ये लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है? क्या 181 में सामूहिक समस्याएं जो होती है, सामाजिक समस्याएं, उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती क्या? ठीक है मैडम, इनकी समस्या का निराकरण कब तक हो जाएगा? और आप जैसी माताएं हैं जो खुले में शौच के लिए जाती हैं, बेहद शर्मनाक बात है। क्या बोलते हैं सरपंच? सरपंच साहब खुली बात कह देते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, आवेदन दे ऐसा करा, तो गली भी नहीं बताते ना कोई तरीका अपनाते हैं। आप ये कोशिश करिए कि खुद लड़ना सीखिए अपने से। हाँ, कि यहाँ पे लगभग 50 लोग इकट्ठे हैं और मुश्किल से हमें एक मोबाइल मिला है इन लोगों के बीच में, और वो मोबाइल भी बटन वाला मोबाइल है। ये इस गांव का स्तर इतना नीचे है कि हम बोल सकते हैं कि ये लगभग 15-20 साल पीछे चल रहे हैं देश के बाकी हिस्सों के विकास से। अगर हम इनकी तुलना करें तो इनके पास मोबाइल तक नहीं है, और सरकारें मोबाइल में ही पता नहीं कितनी योजनाओं का लाभ देती हैं। ग्राम पंचायत दर्पण हो गया, जिसमें ग्रामीण अपने गाँव में क्या विकास योजना चल रही है, कहाँ पर सड़क बनी, कितनी लागत आई, उस सड़क में क्या सामग्री लगाई गई, कौन ठेकेदार था, किसको किस योजना का लाभ मिल रहा है, वो सारी जानकारी होती है। लेकिन सरकारों को कहीं ना कहीं ये नहीं पता है कि सबके पास मोबाइल नहीं है। तो ऐसे में ये लोग कहाँ से पता कर पाएंगे कि इनके गांव में या देश में कौन सी विकास योजनाएं चालू हैं, जो जिनका लाभ इनको मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, जिसके लिए ये लड़ाई लड़े। सरकार को कहीं ना कहीं इन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और कुछ सरकारी जनप्रतिनिधि जिनकी जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षा करें, किसको क्या मिल रहा है उसकी समीक्षा करें, जांच करें, और अगर इनको इनका हक नहीं मिल रहा है तो उसको दिलवाएं, और जो नहीं दे रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो गरीबों का हक मार रहे हैं, उनको बर्खास्त करें, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। आप लोगों के पास मोबाइल है? किसके पास मोबाइल है? किसके पास मोबाइल है जिसको शौचालय नहीं मिला है? आज आया आए हो सर तुम। तो आप क्या खुले में शौच के लिए जाती हैं हर दिन? हम अब नाले जाए नहीं पता रहो सर, हम रखे तो अब हम क्या जाने गरीब। हम कोशिश कर रहे हैं 181 में फोन करने के लिए, और जो समस्या हम 181 में सुनाने वाले हैं वो किसी एक विशेष व्यक्ति की समस्या नहीं, एक सामाजिक समस्या है इस गाँव की, और देखते हैं 181 से हमें क्या उत्तर मिलता है और क्या कार्यवाही होती है। अभी गांव वालों ने ढूंढने की कोशिश की कि इस गांव में टच स्क्रीन मोबाइल किसके पास है, और किस्मत से एक टच स्क्रीन मोबाइल मिल गया है इस गांव में, और हम इसी से फ़ोन करने की कोशिश करेंगे 181 में। ये आप देख सकते हैं 181 में डायल कर रहा हूँ। ये बिजी था और डिस्कनेक्ट हो गया। क्या 181 में लोकेशन भी जाती है कि कहां से फोन आ रहा है? नमस्कार, मैं भावड़ी गांव से बोल रहा हूँ, तेंदुखेड़ा तहसील में आता है। सर का ये क्या समस्या है? ये समस्या ये है कि एक माता जी है हमारी,
और इस गांव में किसी को भी शौचालय का लाभ नहीं मिला है, तो आप लोग इस चीज से अवगत हैं कि नहीं अवगत हैं? क्या चीज स्वीकृत? अगर शौचालय नहीं हुआ और ये गरीब लोग हैं, शौचालय का लाभ इनको मिला नहीं है, और आपके हिसाब से भारत देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ये बात करिए अम्मा जी से। हेलो जी, कहिए। हाँ से माता जी, हम गरीब आदमी के कोई इतने व्यवस्था नहीं। बताना चाहूंगी मैं आपको कि जो आप शौचालय की बात कर रही है उसके लिए आपको ग्राम पंचायत में आवेदन देना होता है। आपने आवेदन दिया है कि ग्राम पंचायत में? नहीं सर, ये तो कोई नहीं आते आते बिल्कुल कुछ नहीं, नहीं बन गई न कुटी संसार न तर शौचालय, कुछ नहीं है। तो आपने आवेदन नहीं दिया है क्या उसके लिए पहले? दिया है भाई सर, दिया है। कब दिया था आवेदन? चाहे जब नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारी आप मेरी उस व्यक्ति से बात कर रही जिससे भी बात हो रही थी। जी मैडम, आवेदन दे दिया है कि शौचालय के लिए? इन सब ने आवेदन दे दिया है और गांव में एक भी सरकारी शौचालय नहीं मिला है और सब गरीब हैं, 100-150 रुपए कमाने वाले गरीब हैं। ग्राम पंचायत से संपर्क किया था क्या, कहा जा रहा है उनकी? हाँ, ये लोग हमेशा ग्राम पंचायत से संपर्क करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमने आपका लिस्ट में नाम जोड़ दिया है, अभी तक आया नहीं है पैसा। नाम जोड़ दिया आया नहीं, सिर्फ बताना चाहूंगी अगर सिगरेट हो जाता तो ही लाभ मिल पाता है। अगर अभी लिस्ट नहीं आई है तो आप उनसे बात करिए लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि लिस्ट आ चुकी है, किसी को मिला नहीं और इनके नाम से ऐसा लगता है कि शौचालय स्वीकृत भी हो चुका है, उसका पैसा भी निकाला जा चुका है। यस सही बात। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैडम, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्राम पंचायत सरपंच को फोन करिए और उनसे पूछिए कि आपके ग्राम पंचायत में किसी भी गरीब को सरकारी शौचालय का लाभ क्यों नहीं मिला। बिल्कुल सर, समस्या का समाधान किया जाएगा। सरपंच जी का क्या नाम है, जान सकती हूँ मैं? सरपंच का क्या नाम है? अशोक भाई, घरौली ग्राम पंचायत अशोक भाई। कंप्लेन उनकी दर्ज की जा रही है सरपंच सचिव के विषय में, ठीक है, और मैडम ये घरौली ग्राम पंचायत सेल्समैन कोटा नहीं बैठा टेम पे, होता है कैसी मैडम? राशन नहीं मिल रहा है। हाँ, राशन नहीं मिला टेम पे, उस विषय में भी कम्प्लेन दर्ज की जा रही है। ये मैडम बोल रहे हैं कि ना शक्कर मिलती है ना नमक मिलता है, कई बार इनको राशन कम मिलता है, बोल देते हैं इस बार खत्म हो गया अगली बार मिलेगा, और वो अगली बार कभी नहीं आता। आप लोग सुन रहे हैं क्या बोल रही हैं? ये बोल रही हैं कि समग्र आईडी आपकी, आपका राशन कार्ड, और कहाँ पे आपका राशन जहाँ पे मिलता है वो कोटे का जगह है, और क्या नाम है उनका दुकान का नाम, दुकानदार का नाम, वो सारी डिटेल लेके। तो मैडम नोट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, ये लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। बताना चाहूंगी एकदम में किसी एक व्यक्ति की शिकायत हो पाएगी, ये एक सामाजिक समस्या है। आप किसी व्यक्ति के नाम से, आपका नाम बताइए, इनके नाम से नोट कर लीजिए। बुद्धि भाई आपका क्या नाम है? परसु यादव। यहाँ पे करीब 100 लोग हैं और सबको नहीं, मतलब सबकी समस्या वही है। सबकी समस्या एक ही है, इसीलिए कंप्लेन दर्ज कर ली जाएगी, लेकिन जानकारी किसी एक व्यक्ति की देनी होगी। जानकारी ले लीजिए आप बुद्धि भाई, समग्र अभी है आपके पास? मैडम हम आपको कुछ देर बाद फोन करते हैं, आप ग्राम पंचायत का नाम नोट कर लीजिए, कोटेदार का नाम नोट कर लीजिए,
ये पूरे गांव की समस्या है, कम से कम आप ये तो नोट कर लीजिए और एक बार फोन करिए सरपंच को कि आपके ग्राम पंचायत में ये समस्याएं हैं। समझ रहे हैं लेकिन बताना चाहिए हमारी ओर से, आप जैसे कि बोल रहे हैं कि कॉल करके उनको संपर्क किया जाए, इतने से मैं हमारी ओर से कॉल के संपर्क में उनसे नहीं किया जाता है, हमारी ओर से सिर्फ शिकायतें दर्ज होती है तो आपको प्रेषित की जाती है। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज ये भी जानकारी चाहिए थी मुझे कि क्या 181 में सामूहिक समस्याएं जो होती है, सामाजिक समस्याएं, उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती क्या? सामूहिक रूप से नहीं की जाती है, अगर सभी को एक ही समस्या हो रही तो वो अपनी अपनी कंप्लेन अलग अलग दर्ज कर। अच्छा, सब लोग अलग कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। प्रॉब्लम मैडम ये है कि यहाँ पे सबके पास मोबाइल नहीं है, ये बहुत मुश्किल से हमें एक मोबाइल मिला है इस ग्राम पंचायत में। एक मोबाइल से आप अलग अलग जानकारियाँ देंगे कंप्लेन दर्ज। अच्छा, एक मोबाइल से पूरा गाँव समस्या दर्ज करवा सकता है ना? ठीक है, तो ये पहली चीज तो आप भौरी देवी का समस्या नोट कर लीजिए, इनको शौचालय नहीं मिला है, इनके साथ बाकी लोगों का भी है, वो लोग आपको एक एक करके कॉल करके नाम के साथ में सारी जानकारी देंगे। शौचालय की शिकायत दर्ज हो जाएगी, उसमें सरपंच सचिव के नाम की जानकारी आवश्यक होगी क्योंकि उनके द्वारा लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो सरपंच सचिव की शिकायत दर्ज होगी। ठीक है जी 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 जी, ठीक है, नाम बता दीजिए, आपका नाम जान सकती हूँ मैं? नाम बताइए। शौचालय को बुद्धि भाई जी, नाम बताने के लिए आपका धन्यवाद। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर है क्या जिससे संपर्क किया जा सके? और कोई नंबर है जिससे संपर्क किया जा सके? आप इसी में करिएगा। ये जिला क्या लगता है? ये जिला लगता है दमोह। ग्राम पंचायत बताइए आपकी? जरौली। आप बता दीजिए विकास क्या लगता है? विकासखंड तेंदुखेड़ा जी। और ग्राम है भौरी। ठीक है, भौरी। ठीक है मैडम, इनकी समस्या का निराकरण कब तक हो जाएगा? अभी कंप्लेन दर्ज की जा रही है सर, लाइन पे रहिएगा। हाँ, ग्राम कौन सा? भौरी है। भौरी BHODI। ये तो कोठी भौरी ना? हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लाइन पे भौरी आइएगा। जरूर। जी लाइन में ही है। सरपंच का नाम बताइए। अशोक भाई। सचिव का नाम बताइए। सचिव का क्या नाम है? अर्जुन ठाकुर। आपने शौचालय के लिए आवेदन कब दिया था? वो इनको याद नहीं है कब दिए थे। कितना समय हो गया होगा? फिर भी हो गया, कितने साल हो गए शौचालय के लिए आवेदन दिए? सर नहीं, हम और कितने जो 3-4 साल बता रहे हैं। उसके बाद नहीं दिया आवेदन। नहीं सर, 2 निवेदन रहेगा, ये कंप्लेंट दर्ज हो रही है जी। उसके पश्चात आप शौचालय के लिए दोबारा आवेदन दीजिएगा क्योंकि 6 महीने के बाद आपका जो आवेदन है वो आपका निरस्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा वैसे ये 6 महीने में निरस्त क्यों हो जाता है, कोई जानकारी? कट गया है। आप लोगों को मैं अब बता रहा हूँ तरीका, अगर आप लोगों के पास एक ही मोबाइल है या कुछ ही मोबाइल है तो सब लोग एक एक करके अपना राशन कार्ड समग्र आईडी लेके और 181 में फ़ोन करिए और अपनी अपनी कंप्लेन दर्ज करवाइए। जो भी समस्याएं हैं, सड़क नहीं है, शौचालय का लाभ नहीं मिला है, आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, या और भी कोई जो आपको समझ में आ रहा है आपकी समस्याएं हैं, वो सब आप 181 में सुना सकती हैं और 181 से आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, अगर आप कंप्लेन दर्ज करती हैं तो जब तक आप नहीं क्लोज करवाएंगी तो कोई और नहीं उसको बंद करवा सकता। तो जैसे आपके नाम से हो गया है ना, आप एक आवेदन दे दीजिए। आपके गाँव में पढ़े लिखे कौन हैं? तो जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको आप थोड़ा सा उनसे मदद लीजिए और उनको बोलिए कि सबके नाम से एक एक आवेदन बनवाएं। ठीक है, और जाके ग्राम पंचायत में उसको जमा करवा दें, सरपंच सचिव को दे दें और उसकी एक कॉपी रख लीजिए।
फोटोकॉपी करवा के एक रख लीजिए, और हम फिर से कभी 8-10 दिन बाद आएंगे, उससे पहले आप लोग ये काम कर लीजिए ताकि सबको शौचालय का लाभ मिल जाए। और आप जैसी माताएं हैं जो खुले में शौच के लिए जाती हैं, बेहद शर्मनाक बात है, हम सबके लिए, इस देश के लिए बेहद शर्मनाक है कि आज भी 21वीं सदी में आप लोग खुले में शौच के लिए जाती हैं, जबकि सरकारें ये दावा करती हैं कि भारत देश में अब कोई खुले में शौच के लिए नहीं जाता। तो आपको इस समस्या से निजात मिल जाए, एक बार शौचालय मिल जाए तो फिर उसके बाद आप लोग आवास के लिए लड़िए, ठीक है ना। चलिए, हमने इनकी तरफ से 181 में शिकायत दर्ज करवा दी है। जितने भी लोग हैं इनमें से किसी को भी शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला है। नहीं मिला। और क्या बोलते हैं सरपंच? सरपंच साहब खुली बात कह देते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, आवेदन दे ऐसा कराओ, तो गली भी नहीं बताते ना कोई तरीका अपनाते हैं, तो हम लोग अनपढ़ आदमी कुछ पता नहीं है तो कहाँ जाए। आप लोग लिख के आवेदन देना है ना, लिखित में एक टाइप करवा लेना और नाम ऊपर सबका अलग अलग करवा लेना, एक ही करवा लेना, ठीक है। और नहीं होता है तो हम आपको हम अपना नंबर दे के जा रहे हैं, आप उस नंबर में फ़ोन करना और हमें बताना कि आपको नहीं मिला है, तो आवेदन हम आपकी तरफ से टाइप करके लाएंगे और आपके साथ चल के आपके ग्राम पंचायत में वो आवेदन जमा करवा देंगे। पर कोशिश करिए कि आप लोग खुद से लड़िए, है ना। जैसे हम लोग क्या है कि ऐसे ही आ गए और पता चला कि आप लोगों को शौचालय योजना, आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, या यूँ कहें कि सरकारी योजना का लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग आए आपके गाँव में चेक करने के लिए, है ना। आप ये कोशिश करिए कि खुद लड़ना सीखिए अपने से। हम नवा पहुँच चुके हैं सर, हमारी पिटीशन मिल रही शौचालय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला शौचालय? अरे ये पत्ते क्या रेट खरीदते हैं आप लोग, कितने रुपए का पत्ता आता है 1000 बीड़ी बनाने के लिए लगभग, पता है कि ठेकेदार दे के जाता है